वेलकम बैक नाजन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में चाइल्ड पर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद साहिबा मौजूद हैं, जिन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सारा जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए। क्या मसरूफियात चल रही हैं आजकल? एक बड़ी जिम्मेदारी है चाइल्ड प्रोटेक्शन की आपके साथ। जी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एंड मतलब इसकी स्कोप इतना ब्रॉड है कि इस पर जितना काम किया जाए कम है। और अभी मुझे एक महीना हुआ है चार्ज लिए हुए, एंड जो वाकयात आ रहे हैं उनको हैंडल करना, अपने ब्यूरो को मजबूत बनाने के लिए इकदामात उठाना और अवेयरनेस क्रिएट करना, आई थिंक ये एक बहुत ही एक चैलेंजिंग टास्क है जो मैंने लिया है। बिल्कुल, तो बहुत चैलेंजिंग टास्क भी है और चीज़ों को हैंडल करना बड़ा मुश्किल भी हो जाता है, खासतौर पर जब बच्चे इन्वॉल्व हों। अच्छा, मैं आसानी के लिए, लोगों की आसानी के लिए भी चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है उसकी डोमेन के ऊपर बात करना चाहूँगी कि इसकी डोमेन में असल में आता क्या क्या। जी, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो बेसिकली कायम किया गया अंडर एक एक्ट था, चिल्ड्रन डेस्टिट्यूट एंड निगलेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट 2004। ये ब्यूरो तब से कायम किया गया है। हमारी डोमेन में आते हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन, जो सड़क पे मौजूद बच्चे होते हैं, जो ऑफकोर्स गुर्बत का शिकार होते हैं, उनको उनके पेरेंट्स छोड़ देते हैं रोड्स पे, वो हमारे अंडर आते हैं। उसके बाद चाइल्ड बेगरी, जो बच्चे भीख मांग रहे होते हैं, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंडर आते हैं कि उनका खात्मा। उसके बाद चाइल्ड अब्यूज के वाकयात, उस पर हम एक्शन लेते हैं, एंड ऑल्सो चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर वायलेंस, अगर किसी जो एम्प्लॉय के ऊपर, जो छोटे बच्चों को जो लोग रख लेते हैं काम करवाते हैं उनसे, उन पर अगर जुल्म हो रहा है, कोई तशद्दुद का वाकया, उस पर हम एक्शन लेते हैं। ये चार चीज़ें जो हैं बेसिक हमारे डोमेन में आती हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो वाकयात आते हैं जो चाइल्ड राइट्स रिलेटेड होते हैं, वो एज ह्यूमैनिटी केस हम उन पर एक्शन लेते हैं, उस पर काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। आजकल किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है? जी, आजकल सबसे पहले तो हमने एक मैस अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की हुई है, जो पहले कभी माजी में नहीं हुई। तो ये हुकूमत पंजाब की तरफ से दिस मैस अवेयरनेस कैंपेन, आगाही मुहिम, जो हमने पूरे पंजाब में चलाई है। इसमें हमारा नंबर 1121 1121, हमारा एक 24 आवर हेल्पलाइन नंबर है, जो हम प्रोपिगेट करना चाहते हैं थ्रू आर हेल्पलाइन, थ्रू द कैंपेन हम इसको जो है वो हाईलाइट करना चाहते हैं। बिल्कुल सही। मैं अगर ये पैम्फलेट आपसे ले सकूं तो मेरे लिए भी आसानी रहेगी, और मैं ये अनाउंस भी कर सकूंगी कि बड़ी ज़बरदस्त एक कैंपेन है गुमशुदा लावारिस, घर से भागे हुए बच्चों और भिखारी बच्चों को तहवील में लेने के हवाले से। किस पैरामीटर पर काम किया जाता है? गुमशुदा बच्चे अगर थाने में रिपोर्ट हो रहे हैं तो क्या फिर वो चाइल्ड प्रोटेक्शन से राबता करते हैं, और किस हद तक कामयाबी है इस चीज़ में, इसकी परसेंटेज में अगर हम बात करें कि बच्चों को अपने पेरेंट्स से मिलवा दिया जाता है? जी, हमारा बेसिक फंक्शन है बच्चों को रेस्क्यू करना, स्ट्रीट चिल्ड्रन को रेस्क्यू करना, और उनकी फैमिली ट्रेसिंग, जितना उनको रेस्क्यू करना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है कि उनको अपनी फैमिली से मिलवाया जा सके। तो हमारी रेस्क्यू टीम असल पर्पस तो यही होता है कि उनको मिलवाया जा सके, बिकॉज आपको पता है जो एक सोरो और दुख जो बच्चा अलग हुआ होता है उसके उस पे गुजारी होती है, वो हम सोच भी नहीं सकते, हम वी कांट रिलेट टू इट आल्सो। बिल्कुल सही। तो वो एक मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग एक बात है, एंड मेरा ये मकसद होगा कि उनको जल्द से जल्द अपने माँ बाप के साथ रीयूनिफाई करवा दिया जाए। हमारे पास डिपार्टमेंट है एक प्रॉपर जो सिर्फ फैमिली ट्रेसिंग के ऊपर काम करता है इन द ब्यूरो। तो वो किस तरह से, मतलब बच्चे से इन्फॉर्मेशन ली जाती है? जी। इसके अलावा क्या 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 फैक्टर्स हैं जिसके जरिए? बेसिकली पहले तो बच्चे हमारे पास आते हैं ना थ्रू द, आप जैसे आपने कहा कि पुलिस स्टेशन में अगर कोई है वहाँ से आता है, या फिर हमारी हेल्पलाइन पर कोई कॉल करता है और हम उसको रेस्क्यू करते हैं। ठीक है। फिर हम उसके बाद उससे क्वेश्चंस करते हैं स्लोली, पहले वो उसको मेंटली अगर वो डिस्टर्ब होता है वी गिव हिम टाइम टू रिलैक्स, देन वी क्वेश्चन हिम, हम उससे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, एंड हमारे पास चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट्स हैं जो रेगुलरली कांटेक्ट में होती हैं बच्चों के साथ, हम उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। कभी कभी उनको याद नहीं होता, ऑफ कोर्स अगर छोटी एज में उनको लोकेशन नहीं याद होती वो कहाँ से आए हैं, वो कोई लैंडमार्क बता देते हैं, बता रहे होते वो कोई लैंडमार्क नज़दीकी बता देते हैं, कोई वेयर अबाउट्स अपने बताते हैं, फिर हमारी टीम जाके वहाँ पे ढूंढती है उस जगह को, एंड यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें मिल जाती है उनकी फैमिली, हमको रीयूनिफाई। अभी कितने बच्चे हैं ऐसे जो गुमशुदा हैं और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में? लाहौर में हमारे पास अराउंड 50 बच्चे हैं जो लॉस्ट चिल्ड्रन हैं, जो मिसप्लेस हो गए हैं, अपने पेरेंट्स से अलग हुए हैं। बिल्कुल सही। तो उनको ढूंढने के लिए ऑब्वियसली कोशिश की जा रही है। आपको पता है बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है कि किसी शहरी को कोई बच्चा मिले, और मैंने खुद पर्सनली बहुत ऐसे बच्चों के इंटरव्यूज किए हैं कि मैं उनको अपने शो पे बिठा लेती हूँ और पूरा घंटा हम उनसे बात करते हैं, उस बच्चे से उसके वेयर अबाउट्स जानने की कोशिश करते हैं, और बहुत दफ़ा आई थिंक 99% हमेशा ऐसे हुआ है कि बाय द इवनिंग पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चे को लेकर जाते जी, बहुत खुशी होती है। आई थिंक ये बहुत रिवॉर्डिंग काम है, एंड जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग इस तरह करते हैं कि या तो हम
मीडिया की हेल्प लेते हैं, उस पर भी चलवाते हैं, हमारी अपनी वेबसाइट है, हमारे फेसबुक पेज है, उस पर हम अपलोड करते हैं सारी लॉस्ट चिल्ड्रन केसेस की इन्फॉर्मेशन, ताकि किसी तरह किसी को पता चले और वो पेरेंट्स आ जाएं या हम उन तक चले जाएं और उनको मिलवाएं। बिल्कुल सही। अच्छा, वो बच्चे कौन से हैं जो परमानेंटली मकीम है चाइल्ड प्रोटेक्शन में और उनकी क्या तादाद है? जी, अभी हमारे पास 800 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो हमारे पास परमानेंटली रह रहे हैं हमारे शेल्टर होम्स में। उनकी हम उन हॉस्टल्स हैं वहाँ पे, गर्ल्स का अलग, बॉयज का अलग, फिर स्कूल्स हैं अलग अलग दोनों के। हम उनको पढ़ाते हैं, हम उनकी अपब्रिंगिंग, और हम उनके वहाँ पर हमारे पास डॉक्टर है तो उनको जो मेडिकल फैसिलिटी देनी हो हमारे पास 24 आवर डॉक्टर मौजूद है। उसके बाद चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, तो अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब है, ये वो सेटअप है सारा जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में लगाया गया था और उसी मुनासबत से चल रहा है। ये तमाम चीज़ें पहले भी हो रही थी, अभी तब्दीली के नाम पर नया क्या किया जा रहा है? कुछ नई चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। ये ब्यूरो तो बहुत पहले ऑफकोर्स इस्टेब्लिश किया गया था, एंड उसके बाद जो लास्ट गवर्नमेंट ने इसको सॉर्ट ऑफ साइडलाइन किया हुआ था, उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी हुई थी, चीफ मिनिस्टर का इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी जो पिछले चीफ मिनिस्टर थे ब्यूरो के साथ। लेकिन अब जो नया सेटअप है, हमारे अभी जो वजीर आला पंजाब है उनके साथ उन्होंने ब्रीफिंग ली है मुझसे ब्यूरो की कारकर्दगी के ऊपर, और उन्होंने आगे का मुझे वो टास्क असाइन किया है कि आप ये करें। जैसे मैस अवेयरनेस कैंपेन उनका आइडिया था कि आप ये रन करें पूरे पंजाब में, तो हम साउथ पंजाब भी गए हैं पिछले हफ्ते, हमने दूसरे जो डाउन ट्रॉडन सेगमेंट है उधर भी टारगेट किया है, उधर हमने चाइल्ड अब्यूज के ऊपर एजुकेशन भी दिया है, खुद जाके सेमिनार्स भी किए हैं। ये ऐसा कभी पहले तारीख में नहीं हुआ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो कि पंजाब साउथ पंजाब गया हो ये काम करने के लिए। तो क्या वहाँ पर भी कोई डिविजन्स खोली जा रही हैं या लाहौर से ही उसको ऑपरेट किया जाए? नहीं, वहाँ पे अभी डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी हमारे ब्यूरो एस्टेब्लिश्ड हैं, लेकिन ऑफकोर्स हमारा आगे का प्लान है इसको मजीद एक्सपेंड करना ताकि हर पंजाब की डिस्ट्रिक्ट में ये ब्यूरो हो। ये मेरा लॉन्ग टर्म मेरी स्ट्रैटेजी ये होगी। जी बिल्कुल सही। फंड्स की कमी तो नहीं है, क्योंकि अमूमन तो गवर्नमेंट की तरफ से कहीं पर भी फंड्स जो है वो जारी तो नहीं किए जा रहे, तो आपने जब एक्सपेंड करना है, जब किसी चीज को एस्टेब्लिश करना है, आपको फंड्स चाहिए होते हैं, आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, रेवेन्यू जनरेशन ये डिपार्टमेंट तो है नहीं, तो टोटली डिपेंड करता है ये फंड्स के ऊपर जो गवर्नमेंट। जी देखिए, मेरा मकसद ये है कि इस इदारे को मजबूत बनाया जाए, तो उसके लिए पहले तो मैं देखूं कि अगर यहाँ पे कुछ सरप्लस है, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ऑस्टेरिटी मेजर्स अडॉप्ट किए जाए, यहाँ रोका जाए, उसके बाद जो आगे रिसोर्सेज मजीद चाहिए उनको वो लिया जाए। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करेगी, ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। गवर्नमेंट ये हमसे ज्यादा मुझसे ज्यादा गवर्नमेंट के लिए जरूरी है, बिकॉज ये गवर्नमेंट का एक इदारा है। बिल्कुल। एंड हमारी ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है चाइल्ड प्रोटेक्शन, कि पंजाब को एक महफूज पंजाब बनाया जाए जहाँ पर हर बच्चे को अपना हक मिल रहा हो, हर बच्चा अपने आप को महफूज समझे, कोई सड़क पे बच्चे ना नजर आए, कोई बच्चे भीख मांगते हुए ना नजर आए, ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। तो आई एम श्योर दे आर सपोर्टिंग अस। कैसे एक्शन लिया जाता है सड़क पर, सिग्नल्स के ऊपर जगह जगह आपको भीख मांगते हुए बच्चे नजर आते हैं? मैं अभी बैठे बैठे निशानदेही कर देती हूँ, आप अभी मेरे साथ इचरा पुल पर चलें जी, और कहीं नहीं जा रही है, करीब फिरोजपुर रोड की बात कर रही हूँ, आपको चार बच्चे मैं ऐसे गिनवा दूंगी जो डेली बेसिस पर वहां पर होते हैं और मेरे से डेली बेसिस पर आकर पैसे भी लेकर जाते हैं, तो वो बच्चे भी तो भीख मांग रहे हैं ना, तो फिर उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं? जी नहीं, उनपे ले रहे हैं हम, एक रेस्क्यू ऑपरेशन हमने स्टार्ट किए हैं, बिकॉज हमने अभी 2 वीक्स अगर हमने चाइल्ड इमरजेंसी डिक्लेयर की इन पंजाब, तो हम रेस्क्यू ऑपरेशन हमने तेज़ कर दिए, पहले भी होते थे लेकिन वो इतनी जो है वो ज़्यादा नहीं हो रहे थे, अब हम रोज़ एक रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं डिफरेंट एरियाज़ में, और हम जो है वो बेगर्स को पकड़ के अपने साथ ले आते हैं अपने कस्टडी में, अपने ब्यूरो में, और फिर हम उनकी पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं कि आप ये काम ना करवाएं, और हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं ताकि उन पेरेंट्स को ऐसे कुछ स्टाइपेंड या कोई इंसेंटिव दिया जाए ताकि वो ये काम बच्चों से करवाए ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि वो करवा क्यों रहे, एक नीड है। सारा जी, एथिकल ग्राउंड्स पर खेल के पिछली हुकूमत ने भी बहुत सी चीजें करने की कोशिश की, हुई नहीं। एथिकल ग्राउंड्स पे शायद ये चीजें मैनेज हो नहीं सकती हैं, अदरवाइज अब तक नहीं तो बैगरी जो है वो खत्म। देखिए, एक चीज होती है विल टू डू, कुछ ना कुछ आई थिंक कुछ ना कुछ सीरियस एक्शन की जरूरत है, उन पेरेंट्स को पकड़ के काउंसलिंग तो कर दी जाती है, लेकिन जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता और गरीब से उनका ताल्लुक होता है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि अपने बच्चे को स्कूल भेजे बजाय इसके कि बाहर भीख मांगने के लिए भेजे। ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे उनकी जो मेन नीड है वो एड्रेस हो रही हो, ताकि उनको ये जरूरत ही ना पड़े कि वो बच्चों को भेजे सड़क पे भीख मांगने के लिए, हम उसको एड्रेस करना चाहते हैं। और आप जो बात कह रही है ना कि बातें होती हैं लेकिन उन पर अमल नहीं होता, दैट्स ट्रू, क्योंकि एक विलिंग जो होता है ना विल टू डू वो मिसिंग जब होती है तो फिर आपको रिजल्ट नहीं नजर आता। मेरा मकसद होगा कि जो मैं बात कर रही हूँ आपके चैनल पे अभी वो एक्चुअली आवाम को उसका रिजल्ट होते हुए नजर आए, ये नहीं कि मैंने यहाँ बात की एंड आई गो होम एंड
फिर जाके वापस सब कुछ वैसे ही करना शुरू हो जाए. आई वॉन्ट के रिजल्ट सामने नजर आए, ताकि लोगों को नजर आए कि ये ब्यूरो क्या कर रहा है और इसकी परफॉर्मेंस जो है वो आवाम के सामने आए. बिल्कुल सही. अगर एक ही बच्चे को आप बार बार किसी एक जगह से किसी एक सिग्नल से पकड़ रहे हैं, एक दफा पकड़ा, काउंसलिंग की, छोड़ दिया, उसको माँ बाप के हवाले कर दिया, उसके बाद फिर से जो है वो आपको सड़क पे वही बच्चा ऑन रिकॉर्ड आ जाता है, तो फिर ऐसे बच्चों के लिए क्या, क्या आप उनको परमानेंटली तहवील में ले सकते हैं ताकि वो शेल्टर होम्स में ही रहें, वहीं पर एजुकेशन हासिल करें? बिल्कुल. हम ऐसे हम कर रहे हैं कि अब एक दो वार्निंग्स के बाद उनको फिर अपने पास रख लिया जाए. अगर वो नहीं बात मानते और वो इस काम से नहीं रुकते तो वो हमारे पास शेल्टर होम्स में रहें, क्योंकि हम उनको पढ़ा भी रहे हैं वहाँ पे, हम उनकी अपब्रिंगिंग भी कर रहे हैं एक बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट में, बहुत ही अच्छे होमली एनवायरनमेंट में, तो उनसे ताकि उसका उनका बेहतर मुस्तकबिल जो है वो सामने आए. अच्छा, ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है, इसका कोई टारगेट रखा गया है, कोई डेडलाइन रखी गई है कि इस डेट तक जो है वो पूरे शहर में ऑपरेशन किया जाएगा और ऐसे बच्चों को पकड़ा जाएगा और उनको जो है वो फिर ऑब्वियसली काउंसलिंग की तरफ और आगे किया जाएगा? जी, मेरा ये ऑब्जेक्टिव होगा कि अब अप्रैल का मंथ स्टार्ट हुआ, तो अप्रैल और मई में इसके बाद लाहौर में कोई जो है वो बच्चा भीख मांगता हुआ ना नजर आए रोड पे. ये एक डेडलाइन टारगेट आपने रखा हुआ है. बिल्कुल सही. और अगर किसी ने पॉइंट आउट करना हो कि फला, जैसे मैंने अभी पॉइंट आउट किया, फिरोजपुर रोड के एचरा ब्रिज पर जब आप नहर की तरफ मुड़ रहे हो, शौकत खानम चौक पर आप चले जाएं, मेन मार्केट आप चले जाएं, आपको छोटे छोटे बच्चे जो है वहां पर भीख मांगते हुए नजर आएंगे, एक तरीका ये लोग क्या अपना लेते हैं कि हाथ में कोई डस्टर पकड़ लिया, शीशे साफ करने वाला वाइपर पकड़ लिया, कुछ चीजें पकड़ ली और अपना उसको कवर अप ये इस तरह से करते हैं कि हम तो ये चीजें बेच रहे हैं. ऐसे बच्चों के लिए क्या है, क्या वो इन एसओपीज में आते हैं? बिल्कुल आते हैं. देखें, अगर वो कुछ बेच रहे हैं, कोई काम भी कर रहे हैं, फिर भी वो रोड पे तो है ना, तो लीगली अलाउड नहीं है बच्चों को सड़क पे होना. उनका काम है तालीम हासिल करना. उन बच्चों को रोड पे कुछ बेचते हुए नहीं नजर आना चाहिए, हमें नजर आना चाहिए वो बच्चे स्कूल में पढ़े हों, ये उनका हक है. ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, मेरे ब्यूरो की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जगह पे हों, जो उनकी जगह है तालीम हासिल करना, तो हम उनको जो है वो स्कूल तक लेके जाएंगे. अच्छा, बड़े बड़े अरसे से हम ये बात सुनते चले आ रहे हैं, देखते भी चले आ रहे हैं कि बहुत से माफियाज जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं बच्चों को भीख मंगवाने के पीछे. डायरेक्टली पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, वो बच्चे गुमशुदा होते हैं, लावारिस बच्चे होते हैं, या कहीं से अगवा शुदा बच्चे भी ऐसे धंधे में, ऐसे मकरूह धंधे में जो है वो पाए जाते हैं, जिसमें जबरदस्ती उनको बीमार कर दिया जाता है, या कुछ औरतें जो हैं वो बच्चों को लेकर फिर रही होती हैं, जिसपे एक रिपोर्ट भी मैंने देखी थी कि बाकायदा उसको जो है वो सिरप पिलाए जाते हैं, कुछ मेडिसिन दी जाती है ताकि बच्चा वो निढाल रहे और आप सिंपथीज गेन करते हुए ज्यादा से ज्यादा पैसे जो है वो इकट्ठे कर सके. तो ऐसी औरतों को भी पकड़ा जा रहा है जो बच्चों को इस्तेमाल कर रही हैं इस तरह के चक्कर में, और जो एक माफिया है उसको पकड़ने का क्या प्लान? जी, पुलिस ने ऐसी औरतों के ऊपर भी क्रैकडाउन स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि ये जो है वो डायरेक्टली डजंट कम अंडर अस, लेकिन ऑफ कोर्स उनके हाथ में बच्चा है तो वो एक वो भी हमारा डोमेन होता है. तो पुलिस जो एक ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं, पुलिस ने क्रैकडाउन, जो मेरे पास रोज डेटा भी शेयर हो रहा होता है कि इतने बच्चे आज जो है और इतने जो है फकीरों को, इतने भीख मांगने वालों को पकड़ा गया है, तो वो पुलिस कर रही है ताकि ये जो है वो रोक दी, ये मेनेस जो है एक्चुअली अपनी ग्रास रूट मतलब उससे खत्म कर दी. अच्छा, पुलिस पुलिस के ऊपर अगर हम डाल देंगे तो चीजें बेहतर उस तरह से नहीं हो पाएंगी. दो डिपार्टमेंट्स को आपस में आई थिंक साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ पंजाब पुलिस की हमारे साथ कोलैबोरेशन है, फुल कोलैबोरेशन है, सपोर्ट है. जब जैसे कोई वाकया आता है, जब मैंने चार्ज दिया उसके दो तीन दिन बाद एक वाकया आया था कि एक बच्चे को एक पुलिस स्टेशन में कहीं जलाया गया था, तो मैंने जाके खुद विजिट भी किया, वो जिना हॉस्पिटल में था, वहाँ पर फिर मैंने आईजी पंजाब से बात की उसके बारे में, एंड उनका हमारे साथ भरपूर तावन होता है, उनकी कोलैबोरेशन. जो गलती से एक दुकान पर बिठा कर गया था कोई और चोरी हो गई उस दुकान से, उस दुकानदार ने पुलिस को दे दिया और फिर पुलिस ने उसको हीटर पर बिठाया. जी, यही वाकया, ये वाकया हुआ था. इसमें पुलिस के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, क्योंकि वो भी जरूरी था कि विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने उस बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया, तो फिर उसकी आगे की कार्रवाई क्या हुई आपसे जरूर जानेंगे. एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से हम खुश आमदीद कहेंगे आपको. चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद साहिबा हमारे साथ मौजूद है. सारा जी, जैसे हम बात कर रहे थे कि एक रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है भिखारियों को
जो है वो खासतौर पर बच्चों को कवर अप करने के लिए। और मैं आपको बताते चलूँ कि 1121 हेल्पलाइन है जिसमें आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं। रिपोर्ट करिए जहाँ जहाँ भी शहर के जिस जिस इलाकों में आपको खासतौर पर छोटे बच्चे या वो खातीन जो छोटे बच्चों को उठाए फिर रही होती हैं और भीख मांग रही होती हैं, उनकी रिपोर्ट करें ताकि आप भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें। और मेरे ख्याल से शहरियों का तावुन भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक तो इस चीज़ को रिजेक्ट करें कि बच्चों को या ऐसी खातीन जिन्होंने बच्चे उठाए हैं उनको भीख नहीं देनी है। एंड आई थिंक मुझे भी अब बस कर देना चाहिए। ये हमारी इंकरेजमेंट सॉर्ट ऑफ होती है कि हम उनको इंकरेज कर रहे हैं कि 10-20 रुपए के नाम पर वो अपना मंथली कमा रहे हैं वहाँ से। जी, इसको बिल्कुल हर शहरी की जिम्मेदारी है कि इसको डिस्करेज किया जाए, क्योंकि आप एक दफ़ा उनको पैसे देते हैं तो वो एक प्रोफेशन बन गया है बिल्कुल, एंड वो इनकरेज होते हैं ये दोबारा करने पे। अच्छा पता है, ये बड़े आई थिंक बहुत बड़े एक्टर्स होते हैं, बड़े टेक्निक्स के साथ आपको ऐसे गिल्ट में डाल देंगे कि आपको वो सिंपथीज के साथ साथ ऐसा लगेगा कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो गुनाह होना शुरू हो जाएगा। जी, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ। मेरे घर के पास एक सिग्नल है, उस पर एक आदमी, मैं चाइल्ड रिलेटेड नहीं बात कर रही, जनरली बेगरी का वाकया बता रही हूँ कि वो किस तरह पैसे लेते हैं लोगों से। वो एक प्रोफेशनल, ही सिटिंग ऑन अ मोटर बाइक एंड वो अपनी बाइक बार बार स्टार्ट करता है। आई नो दैट हैपेंड अ लॉट विद मी एज़ वेल, एंड एवरीबॉडी नोज, एंड वो रोज आई सी इट एंड नाउ आई हैव टोल्ड माय टीम अबाउट इट ताकि हम जो कंसर्नड इदारे उससे बात करके वो रोका जाए, उसको वहां से हटाया जाए। और वो एक्ट करता है कि वो मोटर बाइक नहीं चल रही, वो कहते हैं मुझे फ्यूल के लिए पैसे दे दें, एंड लोग असल में वो बेवकूफ बन जाते हैं, लोग दे डोंट नो एंड वो हेल्प करते हैं। अच्छा, दैट हैपेंड विद मी एज़ वेल, और वो बकायदा फैमिली थी, मतलब एक मर्द और एक औरत, दिस अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे हैं और खराब हो गई है, हमने फलां जगह तक जाना है, प्लीज पैसे दे दें। एंड आई न्यू अबाउट दैट कि ये फ्रॉड था, कि मैं शाम को भी जब वहां से गुजरी, ही वाज स्टिल देयर एंड ही वाज स्टिल मेकिंग द सेम एक्सक्यूज। तो ये एक जो चीज है, प्रोफेशनल अप्रोच जो ये लोग रखते हैं, आई थिंक अब इसको भी कंट्रोल होने की जरूरत है। चाइल्ड अब्यूज की तरफ मैं जाना चाहूंगी। जी, बहुत से बच्चे खासतौर पर घरेलू मुलाजमीन जिन्होंने छोटे छोटे बच्चे घरों पर रखे हुए होते हैं अपने घर पे काम कराने के लिए, तशद्दुद का शिकार होते हैं। और ऐसे वाकयात में बहुत से अंडर एज बच्चे जो एडल्ट नहीं हैं, हमारी बहुत टीम्स जो हैं वो उसको रिपोर्ट भी करती हैं। आपको पता, मीडिया के ऊपर भी आता है। एक उज्मा का केस सबके सामने है, लाहौर में ही हुआ था। उस बेचारी को किस कदर से तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर वो अपनी जान की बाजी भी हार गई। ऐसे दर्दनाक वाकयात भी हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए बच्चों को खासतौर पर क्या करना चाहिए? अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एक स्टेटिस्टिक्स मेंशन करूँगी आपके सामने। लास्ट ईयर 3000 से ज़्यादा चाइल्ड अब्यूज़ के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं पाकिस्तान में, 3000 से ज़्यादा, दैट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। तो ये एक चीज़ है, एक सेंसिटिव इशू है जो मेरे लिए भी बहुत मीनिंग रखता है। एंड मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जब मैंने चार्ज लिया उसके बाद एक रेप का केस सामने आया और हम हॉस्पिटल गए, विक्टिम से मिली मैं जाके, एंड वो किसी और शहर से आई हुई थी लाहौर इलाज के लिए। एंड मैंने उसकी मदर से बात की और हमने कहा कि हम पुलिस में FIR कटवाते हैं। और हमें पता था वो बच्चा जिसने बेसिकली जिस आदमी ने वो किया था अटेम्प्ट रेप का, जिसने किया था वो असॉल्ट, वो उसका फर्स्ट कज़न था। तो उसकी मदर जो थी वो तैयार ही नहीं थी FIR कटवाने के लिए। तो ये वाले केसेस, ये इनकी मैंटेलिटी, ऐसे माइंडसेट है कि उन्होंने वो ऑनर और शेम का एलिमेंट जो है ना वो एसोसिएट किया हुआ होता है अब्यूज़ के साथ, ऐसे इंसिडेंट्स के साथ। तो हमने इनकी काउंसलिंग, मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं उसकी काउंसलिंग की, मैंने उसको समझाया, बट वो बिल्कुल विलिंग नहीं थी ये करने में। तो ये बेसिक एक जो एजुकेशन और पॉवर्टी फुकदान जो है ना मुल्क में, ये इस वजह से इनका ऐसा माइंड सेट डिवेलप हुआ है। तो हम तो जितनी हो सके हमने उसको ऑफर की कि हम आपको मेडिकल असिस्टेंस जो कर सकें हम करेंगे, कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए हो वो वी आर रेडी टू प्रोवाइड यू। इसके बाद भी ये जो आपकी कैंपेन भी चल रही है, इसमें भी सारा चीज बताइएगा कि किसी भी किस्म की ज्यादती, बच्चे को तशद्दुद, किसी भी किस्म का असॉल्ट अगर किया जाए तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, बट अगर फैमिली ही विलिंग नहीं है वो रिपोर्ट करने के लिए तो फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है? जी, तो अगर फैमिली विलिंग नहीं है तो हम उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, और अगर फिर भी नहीं है फिर तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है अगर फैमिली जो है इन्वॉल्व है चाइल्ड अब्यूज के वाकयात में, एंड हमारे पास प्रूफ है कि वो कर रही है, तो हम उसको जो है वो उसके खिलाफ कानूनी एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। देखते हैं कि सोशल सर्विसेज डिपार्टमेंट जो है वो बड़ा एक्टिव होता है, इवन पेरेंट्स जो हैं दे कैन नॉट मिसट्रीट देयर चाइल्ड, वो उसको रिपोर्ट अगर कर दें तो वो बच्चे को ले जाते हैं पेरेंट्स से। क्या यहाँ पर हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को ये अथॉरिटी या ये राइट हासिल है कि अगर बच्चा बहुत मिसट्रीट किया जा रहा है घर पर? बिल्कुल है, बाय हिज और हर फैमिली या पेरेंट्स की तरफ से, तो आप उसको अपने अंडर
बिल्कुल गार्डन ले सकते हैं, ऑफ कोर्स ले सकते हैं, वी हैव द मैंडेट फॉर दैट. एक वाकया मनाहिल एक बच्ची का रिपोर्ट हुआ था, आपके चैनल पे भी चला था, एंड उसकी स्टेप मदर जो है वो उसके ऊपर जो है तशद्दुद करती थी क्योंकि वो पढ़ नहीं रही थी. तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है थ्रू मीडिया, हमने जाके उस बच्ची को रेस्क्यू किया और उसके पेरेंट्स को अरेस्ट करवाया, उसके खिलाफ FIR कर दी, वो अरेस्ट हुई, पुलिस ने कोऑपरेट किया एंड वो दे वर बिहाइंड द बार्स एंड वो बच्ची हमारे पास रही है ब्यूरो में काफी दिन. तो ये एक्शन बेसिकली अगर विलिंग अगर विल टू डू हो तो ये सब हो सकता है जी, क्योंकि लॉ तो मौजूद है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. और वो हो सकती है अगर सही जो है लोग बैठे हुए हैं, वो एक्चुअली चाहें कोई डिफरेंस ला सके. हमारा असल मसला ये है, हमारे लॉज एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता. वो इम्प्लीमेंटेशन कभी इदारों की तरफ से नहीं होता तो कभी उन लोगों की तरफ से नहीं होता जो विलिंग नहीं होते उस चीज को रिपोर्ट करने के लिए या सामने लाने. हमारी जो मैस अवेयरनेस कैंपेन है चलाई है हमने पूरे पंजाब में, उसमें एक उसका इम्पोर्टेंट एक सेगमेंट ये भी था चाइल्ड अब्यूज के ऊपर एजुकेशन दी जाए. हम साउथ पंजाब गए हैं लास्ट वीक और हमने खुद जाके एजुकेशन दी है, सेमिनार्स किए हैं और स्कूल्स एंड कॉलेजेस में हमने एजुकेट किया लोगों को चाइल्ड अब्यूज के बारे में ताकि उनमें अवेयरनेस हो कि अभी ये स्कूल्स में नहीं सिखाया जा रहा है कि चाइल्ड अब्यूज क्या होता है. स्कूल्स के अंदर भी हो रहा है, स्कूल्स के बाहर भी हो रहा है, रोड्स पे भी हो रहा है, घरों में भी हो रहा है, इट्स एवरीवेयर. एक बहुत ही बड़ा ये एक मेनेस है सोसाइटी का अनफॉर्चुनेटली. तो हमने इसकी एजुकेशन दे रहे हैं हम अपनी तरफ से और हम लोगों को जो है वो इंकरेज करते हैं कि अगर कोई ऐसा वाकया है हमें हमारी हेल्पलाइन पे इन्फॉर्म करें ताकि. अच्छा, ऐसे बहुत से वाकयात रिपोर्ट हुए भी हैं, ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट नहीं हुए. और उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया कसूर में ज़ैनब कत्ल का था, वो छोटी सी मासूम बच्ची जिसको बेदर्दी से ज्यादती का निशाना बनाकर फिर कत्ल कर दिया गया. उसके बाद गवर्नमेंट ने एक गुज़श्ता दौरे हुकूमत में ये एक स्टेप लिया गया था कि बाकायदा एक बुकलेट बनाई गई थी, किताबचा बनाया गया था कि स्कूलों में बच्चों को बताया जाएगा व्हाट इज अ गुड टच, व्हाट इज अ बैड टच, हैरेसमेंट के हवाले से उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उनको बताया जाएगा. लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली वो आगे कंटिन्यू नहीं हुआ और इस हुकूमत में तो बिल्कुल ही कंटिन्यू नहीं हुआ और उसको बिल्कुल साइडलाइन जैसे कहते हैं ना खुडे लाइन लगा दिया गया. तो क्या इस हवाले से भी कोई प्लान किया जा रहा है, क्योंकि ये जरूरी तो बहुत है और ये आई थिंक होना चाहिए. इस हुकूमत में इस पे काम हो रहा है बिल्कुल. मेरे अपने ब्यूरो के मैं एग्जांपल ले रही हूँ, हमारे अपने ब्यूरो के अंदर हम बच्चों को ये गुड टच एंड बैड टच का डिफ्रेंसिएशन सिखा रहे हैं. हमारी काउंसलर्स जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो बच्चों को सिखा रहे हैं, बिकॉज अभी हमारे पास 800 से ज्यादा बच्चे हैं. क्योंकि अगर बच्चों को अवेयरनेस होगी तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स जो हैं उनसे बचा रोक जाएंगे, ये इनको रोक दिया जाएगा. यू आर राइट. तो क्या क्या काम हो रहा है इस पर? इस पर हम अवेयरनेस दे रहे हैं अपने जो ब्यूरो के बच्चे हैं उनको भी और बाहर भी. जब हम ये कैंपेन चला रहे हैं तो हम इसको जो है वो प्रोपेगेट कर रहे हैं चाइल्ड अब्यूज को रोकने के लिए कि आपका क्या डिफरेंस है बिटवीन गुड एंड बैड, ताकि बच्चों को पता और वो डरे नहीं. वो उनके अंदर इतनी गट्स होनी चाहिए, उनके अंदर इतनी वो ब्रेव होने चाहिए कि वो बताएं, जाके अपने टीचर्स को बताएं या जो भी बड़े वहाँ पे मौजूद है उनको ये बताएं, क्योंकि लोग जो है वो शेम एंड ऑनर के लिए वो रुक जाते हैं, वो इन्फॉर्म नहीं करते. बिल्कुल सही. आई रियली होप कि आपका ये जो मंसूबा है ये जरूर कामयाब हो, ये प्लान अकॉर्डिंग टू प्लान जाए और लोग भी इसमें तआवुन करें, क्योंकि बहुत जरूरी है. आई थिंक नाउ इज द टाइम व्हेन वी नीड टू रियलाइज कि हमने अपने बच्चों को क्या एजुकेशन देनी है, किस तरीके से देनी है और उनको इंडिपेंडेंट किस तरह से करना है. वेल थैंक यू सो मच सारा जी आपकी तशरीफ आवरी के लिए एंड गुड लक फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स. आई रियली होप कि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो हमें जरूर मिल सके. एंड ये जो बैगरी वाली आपने जिक्र किया, मैं कोशिश करूंगी कि जैसे ही ये कैंपेन खत्म हो, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो, हम दोबारा आपको बुलाएं और फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात हो कि कितने बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं और किस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया गया. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आवरी के लिए. इसी के साथ ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा.